जब भी हम महाभारत की कहानी सुनते हैं तब कर्ण का जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि कर्ण की कहानी दुख, श्राप और त्याग से भरी हुई थी। सूर्य पुत्र कर्ण। एक दिन ऋषि दुर्वासा कुंती के पिता राजा सूरसेन के महल में आए। तब कुंती के पिता ने उन्हें ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के लिए कहा। तब कुंती ने पूरे एक साल तक ऋषि दुर्वासा की पूरे मन से सेवा की। कुंती की सेवा से ऋषि दुर्वासा बहुत खुश हुए और कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वो किसी भी देवता को याद करके उनसे संतान का वरदान मांग सकती थी। जब ऋषि दुर्वासा चले गए तो एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को उपयोग करने की इच्छा हुई। वो देखना चाहती थी कि क्या ये मंत्र सच में काम करता है, इसलिए उन्होंने सूर्य को देखते हुए सूर्य देव को याद किया। थोड़ी ही देर में वहां सूर्य देव प्रकट हुए और सूर्य देव के वरदान से कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई। कर्ण जो कवच और कुंडल लेकर जन्मा था और तेज में सूर्य के ही समान था। जब कर्ण को कुंती ने जन्म दिया तब वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित कन्या थी, इसलिए वो अपने पुत्र को देखकर घबरा गई। समाज में बदनामी के डर और अपने पिता की इज्जत के लिए कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। तभी वो टोकरी एक सूत जाति के परिवार अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। तभी उन्होंने कर्ण को अपना पुत्र बना लिया और पालन पोषण करके उसको बड़ा किया, जिसके बाद सूर्य पुत्र कर्ण सूत पुत्र कर्ण कहलाने लगा। कर्ण बचपन से ही युद्ध कला में रुचि रखते थे, इसलिए वो युद्ध कला की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य उस समय राजाओं और ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को एक नीची जाति का सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि सूतों को क्षत्रिय शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर कर्ण बहुत दुखी हो गए। कर्ण को एक बार नहीं बल्कि बार बार सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया गया और उसे बार बार याद दिलाया जाता था कि वो एक नीची जाति का है। इसके बाद कर्ण गए सबसे महान गुरुओं के गुरु स्वयं विष्णु के अवतार परशुराम के पास, जो कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के भी गुरु थे। लेकिन परशुराम भी ब्राह्मण थे और वो भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम से कहा कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ। परशुराम ने कर्ण पर विश्वास कर लिया और उसे धनुर्विद्या का ज्ञान देने लगी। समय बीतता गया, कर्ण शिक्षा में कुशल होते गए। कर्ण ने खुद भगवान परशुराम से शिक्षा ली, जो कि बहुत ही उच्च पद की शिक्षा थी, और शायद यही एक बड़ा कारण था कि कर्ण को हराना असंभव था। अब कर्ण की जब सारी शिक्षा पूरी हो गई, उन्हें सभी शस्त्रों का ज्ञान हो गया, तब एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और तभी परशुराम को नींद आने लगी। तभी कर्ण ने कहा कि आप मेरी गोद को तकिया समझ कर इस पर सिर रख कर सो जाइए। कुछ ही देर में परशुराम को गहरी नींद आ गई। तभी एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ गया और कर्ण को काटने लगा। कर्ण को बहुत दर्द और तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो हिले तक नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके गुरु की नींद टूट जाए। कीड़े के काटने की वजह से कर्ण के पैरों से खून बहने लगा और वो चुपचाप दर्द सहती रही। कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो कर्ण के पैर पर कटने के निशान और खून देखकर वो चौंक गए। परशुराम के मन में शंका हुई और उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण को अगर एक मच्छर भी काट जाए तो वो तिलमिला उठता है, मगर इतनी सहनशीलता सिर्फ नीचे वर्ग के लोगों में होती है। परशुराम ने कर्ण से कहा कि सच बताओ कौन हो तुम। तब कर्ण ने कहा मैं सूत पुत्र हूँ, मैंने आपसे झूठ कहकर शिक्षा ग्रहण की है, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, कहा कि तुमने जो कुछ भी सीखा है, जब भी तुम्हें इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जरूरत के वक्त तुम मेरे द्वारा सिखाए गए सभी मंत्रों को भूल जाओगे और वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। कर्ण की जिंदगी श्रापों से भरी हुई थी, उन्हें कई सारे श्राप मिले थे। एक दिन कर्ण जंगल में राक्षस को निशाना बनाकर मारने ही वाले थे, तभी वो राक्षस वहां से गायब हो गया और कर्ण का बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग गया और वहीं गाय की मृत्यु हो गई। जब ये बात गाय के मालिक ब्राह्मण को पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया
कहा कि हे निर्दयी, तूने जिस प्रकार दलदल में फंसी गाय की हत्या की है, ठीक वैसे ही तेरी मृत्यु होगी। और अंत में हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। वही कर्ण को धरती माता से भी श्राप मिला था। एक बार एक बच्ची घी की सीसी जमीन पर गिर गई और वो बच्ची बुरी तरह से रोने लगी। कर्ण को उस बच्ची का रोना नहीं देखा गया और उस बच्ची पर तरस आ गया। तभी कर्ण ने अपने तीर से धरती पर वार करके उनसे घी वापस पा लिया और बच्ची को दे दिया। कर्ण के इस वार से धरती माता को बहुत दर्द हुआ और उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया और कहा कि किसी एक की मदद के लिए किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और जब भी तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। देखा जाए तो इस श्राप के कारण युद्ध के समय कर्ण का रथ का पहिया धरती में फंस गया और लाख कोशिश के बाद भी कर्ण उस पहिए को निकाल नहीं पाया और यही कर्ण के अंत का कारण बना था। कर्ण ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अपमान सहते हुए बिताया था क्योंकि लोग उसे रथ चालक का बेटा कहते थे। और इतना ही नहीं, कर्ण जब अपने भाई पांडवों से मिले तो पांडवों ने कर्ण को नीची जाति का सोत पुत्र कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन अकेला दुर्योधन ही ऐसा था जो कर्ण के साथ खड़ा रहा। दुर्योधन ने जब उसकी युद्ध कला देखी तो उसने कर्ण को अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन कर्ण का सबसे अच्छा मित्र बन गया, एक ऐसा मित्र जिसके लिए कर्ण किसी भी हद तक जा सकता था। और दुर्योधन की मित्रता ने कर्ण को वो सम्मान दिलाया जो कर्ण बचपन से चाहता था। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, कर्ण के शौर्य को देखकर इंद्रदेव घबरा गए क्योंकि अर्जुन उनके ही वंश थे। और इंद्रदेव को पता था कि जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल हैं, तब तक कर्ण को कोई भी महाभारत में हरा नहीं सकता। तब इंद्रदेव ने छल का रास्ता अपनाया। इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण जो कि दान देने में प्रसिद्ध थे, अगर कोई भी उनसे कुछ भी मांगता तो वो उसे दे दिया करते थे। इस तरह कर्ण ने बिना किसी झिझक के इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। कर्ण को मिले श्रापों ने उनके ऊपर काफी प्रभाव डाला था। युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तब लड़ते वक्त कर्ण को अपने अस्त्रों की जरूरत थी। तब परशुराम के श्राप के कारण वो अपने अस्त्रों को इस्तेमाल नहीं कर पाए। उनके द्वारा सिखाए गए सारे मंत्र भूल गए और युद्ध में धरती माता के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि रुक जाओ, मेरे रथ का पहिया फंस गया है, और उनसे समय मांगा ताकि वो अपने पहिए को निकाल सके। जैसे ही कर्ण रथ से उतरे और अपना पहिया निकालने लगे तभी कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बाण चलाओ। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण को घायल कर दिया। कहते हैं कि अंतिम समय में कर्ण घायल थे तब श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण कर कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास केवल एक सोने का दांत है। कर्ण ने अपने दांत को पत्थर से तोड़कर उसे श्री कृष्ण को दे दिया। इस दान से खुश होकर कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसी जगह किया जाए जहां आज तक कोई पाप ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पाप ना हुआ हो। अंत में श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। कर्ण ने जन्म से लेकर अंत तक हमेशा कठिनाई और संघर्षों का सामना किया और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। और शायद यही वजह है कि कर्ण की कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।